वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम कुछ कुक नहीं कर रहे हैं लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ शेयर कर रहे हैं जो कि है किचन की टिप्स एंड ट्रिक्स। पिछले 3 सालों में कुछ तो मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स जो है वो पकाते पकाते आप लोगों से शेयर की है, कुछ जो है बिल्कुल ब्रैंड न्यू है जिससे आप इंट्रोड्यूस होंगे तो बड़ा मज़ा आएगा, और कुछ ऐसी है जो रिक्वेस्टेड है। तो आज हम सब मिला के टिप्स एंड ट्रिक्स का ये एपिसोड बनाते हैं जिसको आप लोग देखेंगे तो मज़ा आ जाएगा और लाइफ इजी हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। तो धनिया जब बाजार से आता है तो इस तरह से ये एक टाई लगी हुई होती है और इसको बिखेरेंगे नहीं, इसको डायरेक्ट पानी में इस तरह से डाल देंगे। पानी जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए, जिस तरह से निकला है ना इसी तरह से डाल देंगे तो लाइफ इजी ज़्यादा रहेगी। ऐसे खोल खोल के नहीं करेंगे, यूं करेंगे यानी इसको पकड़ के करेंगे क्योंकि हमें टाइम को बचाना है फ्यूचर में भी और अभी भी। देखें ये कितना खुश है, अब इसको जो है झटक लेंगे और अब एक टावल में 2-3 मिनट के लिए रख लेंगे। अब वो भी इस तरह से फैलाएंगे कि रूट्स जो है वो साथ ही रहे और पत्ते जो है वो साथ रहे और इसको कवर कर देंगे। समझो इसने बड़ा अच्छा सा एक बैथ लिया है क्योंकि बाज़ोख़ा क्या होता है कि ये रख देते हैं इस तरह से और फिर लास्ट मिनट पे धनिया निकालो धो काटो। मैं तो सारे 4-6 जितने भी लेती हूँ ना सारे इसी तरह से करके रख देती हूँ, चाहे तो टैप कर ले चाहे तो इस तरह से रख ले। और अब इसको निकालेंगे दोबारा। अब क्या है कि पानी जो है वो ये मतलब ऐसा होना चाहिए कि डैम्प है, पानी नहीं होना चाहिए, हल्का हल्का ये जो गीला है वो सही है। अब दोबारा ये टाई कर देंगे। अब ये टाई करने की वजह ये है कि जब हम फ्यूचर में धनिया काटेंगे ना तो ये बड़ा ठीक रहेगा। तो ये रखा और अब हम टॉवल से जो है वो डन हो गए हैं। एक पेपर टॉवल लेंगे और अगर पेपर टॉवल नहीं है तो कोई न्यूज़पेपर वगैरह लेंगे, अब उसमें ये धनिए को रैप करेंगे। अब ये देखें ये हल्का सा, अगर आप देखेंगे तो हल्का सा गीले का एहसास है इस पे और बाकी जो है ड्राई है। अब इसको हम किसी ज़िपलॉक बैग में या कोई भी प्लास्टिक की थैली आपके पास हो, शॉपर वगैरह जो होते हैं ना उसमें ये इस तरह से डालेंगे और इसको फ्रिज में रख देंगे। रखने में भी इजी और यूज़ करने में भी इजी और ये आराम से आपका 15 दिन तक अच्छा रहेगा। अगर ऐसा बिलफर्ज आपको लगता है कि आपका पानी ज़्यादा रह गया है और आपने डाल दिया था तो हर्ज नहीं है, 2-1 दिन बाद न्यूज़पेपर जो है वो थोड़ा चेंज कर लें, लेकिन पहले से ही आप झटक लेंगे और टॉवल वगैरह पर रख देंगे तो हल्का हल्का बस हल्का हल्का डैम्प होना चाहिए। तो इस तरह से धनिए को ट्रीट करने से 12-15 दिन तक आपका धनिया ताज़ा के ताज़ा रहेगा, बिल्कुल फर्स्ट क्लास, ऐसा लगेगा बाज़ार से आ रहा है। पौदीना जो है वो हमारी फैमिली में सबसे नाजुक मिजाज है। अब ज़रूरी भी बहुत है, उसकी खुशबू उसका एहसास ही बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए उसमें है नज़ाकत भी और नाजुक मिजाज भी। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये आम हालात में तो ये पौदीना लिया और ये बैग में है तो ये 2-3 दिन तक सही रहेगा, हल्का हल्का ख़राब होना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसको 12-15 दिन तक किस तरह से फ्रेश रखते हैं वो बताती हूँ। रैपर खोलते हैं और चूंकि पौदीने का मिजाज बहुत नाजुक है उसको पानी से अवे रखना बहुत ज़रूरी है। तब हम क्या करेंगे, कोई भी न्यूज़पेपर या पेपर टॉवल कोई भी लेंगे, उसमें इसको पौदीने को निकालेंगे और इस तरह से रखेंगे एक ही डायरेक्शन में। इससे क्या होगा कि जब हम यूज़ करना चाहेंगे तब टाइम हमारा वेस्ट नहीं होगा और ये छोटे छोटे जो भी अच्छे नहीं हैं उसको हम निकाल देंगे क्योंकि जो अच्छे नहीं होंगे ना वो अच्छे वालों को बहुत जल्दी ख़राब कर देंगे। और ये जो थोड़ा बहुत सही है थोड़ा बहुत पुराना हो गया ना उसको हम इमीडिएटली सैलड वगैरह में यूज़ कर सकते हैं, कचूबर वगैरह में डाल सकते हैं। तो अब इसको हम लपेटेंगे और
इसको भी आप डाल देंगे ज़िपलॉक बैग में, या आप चाहें तो किसी कंटेनर में भी डाल सकते हैं और चाहें तो शॉपर में भी डाल सकते हैं। तो ये जो है ये रहेंगे 12 से 15 दिन तक, जितना आपको दिल चाहे इतनी आप वो डंडियाँ निकालें, उसी डायरेक्शन में है, ईजी भी रहेगा और यूज़ करें और दोबारा बंद कर फ्रिज में रख देंगे। लहसुन, लहसुन के हेल्थ बेनिफिट्स तो सबको पता है, बहुत है, और जब जब उसका तड़का वगैरह खाने में जाता है तो मज़ा जो है वो दुबाला हो जाता है, लेकिन लहसुन छीलना किसी को पसंद नहीं होता है। तो ये मैं जो टिप बता रही हूँ आपको वो कॉमनली मैं यूज़ करती हूँ, लेकिन ऐसा है कि आपका सारा फ्रस्ट्रेशन जब आपको हो ना तो इस पर निकालेंगे तो ख़तरनाक सा रिजल्ट आएगा। अगर आप चाहें आपका लहसुन जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है तो आप इस तरह से भी मार सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह से नहीं कर सकती क्योंकि काफ़ी स्ट्रांग है, तो मैं इससे दस्ते से थोड़ा सा इसको ब्रेक कर लूँगी बिल्कुल हल्के हाथों, और अब एक कंटेनर में डाल देंगे जो कि थोड़ा बड़ा होगा, छोटा नहीं होगा। तो इसी तरह एक और कर लेते हैं। तो बेसिकली अगर बहुत मोटा लहसुन है ना, तब मैं क्या करती हूँ ऊपर से इसको थोड़ा सा हल्का सा मार देती हूँ, क्योंकि बड़ा स्टबन सा है, छोटा छोटा क्यूट सा नहीं है। अच्छा, तो एनीवेज बड़े से कंटेनर में डालेंगे, और अब सारा गुस्सा बच्चों का, अगला पिछला हस्बैंड का, जिसका भी आ रहा है, इस पर निकालेंगे, इसका ब्रेन हैमरेज करके इतना हिलाएंगे यूं हर तरह से। चले अब खोल के देखते हैं क्या सिचुएशन है। ये देखें छिलके जो है सेपरेट हो गए हैं, और ये जो लहसुन हमारा जो है बस थोड़ा सा जो चिपका हुआ है उसको निकाल लेंगे, और ये रेडी टू गो है। और अगर आप चाहें तो फिर इसको धो लें पानी में, तो जो छोटा मोटा चिपका हुआ है वो निकल जाएगा। ये देखें थोड़ा बहुत रह जाएगा तो हल्के से यम कर लेंगे इस तरह से। कैसे बेहतरीन से हमारे लहसुन के जवे निकल गए, इजी पीजी। हरी मिर्चें, हरी मिर्चें सभी को बहुत पसंद होती है, और खाने में जब जाती है तो जायका बढ़ जाता है। अचार बनाओ उसका तो भी बड़े मज़े की लगती है, ऑमलेट वगैरह में डालो तब भी। लेकिन कभी कभी हरी मिर्चें तेज़ भी बहुत होती है, और उसकी वजह क्या होती है, उसके सीड्स और उसकी वेन्स, सीड्स सबसे ज़्यादा तेज़ होते हैं, कुछ लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते। और कभी कभी मिर्चें तेज़ आ रही होती है, वो भी मसला होता है, कुछ लोगों को तेज़ भी बहुत लगती है। तो मैं आपको बताती हूँ कि ईजी वे में बीज जो है वो हरी मिर्चों के किस तरह से निकाले जा सकते हैं। तो यार देखिए मेरे पास दो तरह की हरी मिर्चें हैं, एक हालोपिनोज है और एक सेरानो है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हाथ से इसको गोल गोल घुमाएंगे और इसके बीज को लूज करेंगे, और आप थोड़ा सा काउंटर पर करेंगे इस तरह से। काउंटर पर करने के बाद इसको थोड़ा सा झटकेंगे कि जो सीड हिले हैं वो और ढीले हो जाएं, और अब इसका हम ये वाला पोर्शन जो है काटेंगे। और चूंकि इसमें वेन बहुत ज़्यादा होती है तो ये वेन जो है वो हटाएंगे सीड निकालने के लिए, और अब ये बीज निकाल लेंगे। ये देखें इस तरह से, देखा कितना इजी पीजी, झटपट ढेर सारे। आप सोच सकते थे इतने बीज होंगे, अब क्या तेज़ भी नहीं लगेगी, मज़े से खा भी सकेंगे। और अब खोल के देखते हैं कि इसमें बचे हैं कि नहीं बचे हैं। और ये देखें है ना, तो ये तो बड़ी मिर्चों का कर लिया। अब छोटी मिर्च जो है वो ये है, इसका भी इसी तरह से करेंगे कि पहले इसको गोल गोल घुमाएंगे हाथ में, और उसके बाद थोड़ा सा काउंटर पर कर लेंगे, और आप थोड़ा सा झटक लेंगे, और आप इसका टॉप काटेंगे, अगर वेन है तो थोड़ी सी निकाल लेंगे ताकि बीज निकलने में इजी रहे, और आप निकाल लेंगे इसको। अब बताएं अब मिर्च तेज़ कैसे लगेगी, और आप इसको काट के देखते हैं क्या सिचुएशन है। ये देखिए, और अगर आप चाहें आपको वेन भी नहीं चाहिए तो कितना इजीली ये भी निकल गई, और अब प्यारा प्यारा हरी मिर्चों का पार्ट रह गया जिन्हें तेज़ लगती हो
या मिर्चें कभी बहुत तेज़ आ जाती है तब। तो मिर्चों से याद आया कि अक्सर लोग जो है वो मिर्चों को जब डायरेक्ट हाथ लगाते हैं, अगर ग्लव्स नहीं पहने हैं तब बहुत हाथ जल रहे होते हैं, तब एक बेस्ट टिप ये है कि थोड़ा सा लेमन जूस लेके हाथ पे लगा के रगड़ लें, फौरन ठीक हो जाएगा। लेटस यानी सैलेड के पत्ते, वो उसकी भी शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है, बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, और फिर लास्ट मोमेंट पे उसको धो और फिर पहुँचो और रखो, टाइम टेकिंग भी बहुत होता है और इतनी फ्रेशनेस नहीं रहती है। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या करती हूँ। तो ये देखें मेरे पास बैग है, अब जैसे आती है तो मैं निकालती हूँ उसको, और अब इसका ये जो ये किनारा है इसको मैं काट लेती हूँ और पानी में डाल देती हूँ सैलेड को। इसको खोल के अच्छे से वॉश करते हैं, पानी जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए, ज़रा भी गर्म की तरफ नहीं होना चाहिए। एक मरतबा आप ये कर लेंगे तो जितने भी सैंडविचेस खाने हो, सैलेड खानी हो, लाइफ ब्यूटीफुल, इतना झटपट। तो चलें, इसको हमने खुले पानी में अच्छे से वॉश किया है, अब इसको हम डालेंगे एक टॉवल पे, इसी में झटक लेंगे ताकि टॉवल को ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े और टाइम कम वेस्ट हो। थोड़ा सा फैला लेंगे और अब इसको थोड़ा सा ड्राई कर लेंगे, दो तीन मिनट तक इस तरह रखेंगे ताकि पानी अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। दो मिनट हो गए हैं तो चलें, अब हम पेपर टॉवल लेंगे, जिनके पास पेपर टॉवल ना हो वो न्यूज़पेपर ले सकते हैं, और इसको हम पेपर टॉवल में डालेंगे इस तरह से, जिससे दो तीन डाले और इसको रैप कर लिया। अब ये दो तीन अलग हो गए, हमें जब लेना होगा इजी भी रहेगा, और ये बहुत ज़्यादा रखेंगे तब इतने फ्रेश नहीं रहेंगे, थोड़े थोड़े वक्फे से रखेंगे और जब आप निकालेंगे ना, आहा, इसकी क्रंची और क्रिस्पीनेस भी सेम होगी। बेबीज को भी रख देते हैं थोड़ा, ये देखा आपने, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का वेट है। और अब इसको डालेंगे जिपलॉक बैग में, आप कोई भी शॉपर भी यूज कर सकते हैं। बहुत टाइट दबा नहीं देंगे, जितनी स्पेस है उस हिसाब से डालेंगे और उसको बंद कर लेंगे। अब आप हैरान हो जाएंगे ये रिजल्ट देख के कि ओहो हो, लाइफ सेविंग। इस तरह हम प्रमोट करेंगे मोर सैलेड खाने को। वो क्या होता है, अरे कौन अभी धोएगा, और वो नरम हो जाती है ना धोने के बाद फौरन, तो ये क्रिस्पी रहेगी, फ्रिज में रह के ठंडक से क्रिस्पी भी हो जाएगी और वैसे के वैसे हरे भरे रहेंगे। तो आई मस्ट से जरूर जरूर सब ट्राई करें, लाइफ सेविंग है। प्याज, ऑमलेट कट प्याज स्पेशली, अक्सर लोगों को काटने में प्रॉब्लम होती है कि भाई किस तरह से काटें, किस तरह से पकड़ें, या एक तो आंखें इतनी जल रही होती है, खास तौर से जो बच्चियां हैं जो नई नई कुकिंग कर रही हैं वो तो रोते धोते हुए थक जाती हैं। तो इससे क्या है, ये जो मैं प्याज काटने का जो तरीका बता रही हूँ उसमें एक तीर से दो निशान है। एक तो ये तरीका है कि किस तरह से आंखें ना जले ज़्यादा, और नंबर टू किस तरह से ऑमलेट कट इजी वे में कट सकती है। तो देखिए यहाँ मेरे पास प्याज है, इसका हम ऊपर वाला पोर्शन जो होता है ना, जो ये जिस पे ये बाल हैं, ये बिल्कुल नहीं काटेंगे, नीचे वाला काटेंगे और इसकी स्किन निकालेंगे। स्किन निकालने के लिए थोड़ा सा यूं करेंगे और स्किन को पील कर लेंगे, ये वाला रहने ही देंगे, इससे लाइफ आपकी बड़ी इजी हो जाएगी। और यूजुअली क्या है, येलो प्याज जो है वो अक्सर तेज होती है, वाइट नहीं होती है इतनी। अब इसको हम आधा कर लेंगे। तो अब ये रहने देने से क्या होगा कि इसमें जब हम काटते हैं तो एक लिक्विड जो है वो डिस्चार्ज होता है, जिसकी वजह से हमें आंसू आते हैं,
तो वो डांटने डपटने से तो अलग तरह के आंसू आते हैं, प्यास से इसकी वजह से आते हैं। तो ये हम रहने देंगे तो काटने में भी इजी रहेगा क्योंकि वो टुगेदर रहेगी और डिस्चार्ज नहीं होगा लिक्विड, जिसकी वजह से आंसू नहीं आएंगे। तो चलें अब इसको हम इस डायरेक्शन में रखेंगे, इसको लेफ्ट पे आना चाहिए और ये हमारे फ्रंट में आना चाहिए जो गोल गोल है, और ये बैक में जाना चाहिए। तब हम क्या है बारीक बारीक इसमें लंबाई तक यहाँ तक भी जा सकते हैं, तो ये हम इस तरह से कट देंगे। और अब इसको अच्छे से पकड़ लेंगे और यहाँ से स्लिट करेंगे, ये देखें इस तरह से, और एक और करेंगे। अब प्याज पे डिपेंड है, अगर छोटी प्याज है तो दो भी हो सकते हैं, बड़ी है तो तीन भी हो सकते हैं। तो ये इस तरह से जाएंगे, एक और करेंगे और एक और करेंगे, और अब सबको अच्छे से पकड़ के अच्छे से डाइस कर देंगे। और ये जो बचा है इसको ऐसे करके एंड में कर देंगे और ये बाय बाय हो गया। तो ये हमारी प्याज कट गई इस तरह से बिना किसी परेशानी के, इजी वे में। और देखा येलो प्याज थी, अब मैं रो नहीं रही हूँ, तो इसका मतलब सही ट्रिक है। चिकन ब्रेस्ट, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि आपने इतनी थिन स्लाइस चिकन ब्रेस्ट की किस तरह से की, या एकदम प्रिसाइज पीस करने का तरीका क्या है। तो नहायत ईजी है, एक छोटी सी टिप है कि देखें ये मेरे पास चिकन ब्रेस्ट थी, तो आप कितनी भी ले सकते हैं, फैला के रख दें। फ्रीज़र में आपको रखना है एक घंटे के लिए, पौना से एक घंटे के लिए, कि थोड़ी सी जम जाए, सेटल्ड हो जाए, आपको बहुत फ्रोज़न नहीं करनी है। तो ये जैसे है, मैं आपको बताती हूँ इसका टेक्स्चर क्या है। तो ये दबाओ तो थोड़ी सी, ये देखें दब रही है, लेकिन सेटल्ड है, जमी हुई है थोड़ी थोड़ी। तो मैं बताती हूँ जो बारीक बारीक पसंद है बनाते हैं ना, वो किस तरह से बनाते हैं। अब ये फर्म हो गई है, अब हम अपनी मर्ज़ी से इसको ये देखिए स्लाइस करेंगे। छुरी जो है आपकी शार्प होना ज़रूरी है, अब आपको जितना थिन करना हो आप कर सकते हैं। ये देखना, अगर आप चाहें तो पेपर थिन भी कर सकते हैं। ये कितनी बारीक भी है, तो अब आपकी चॉइस से आप जितना भी चाहे बारीक मोटा दुबला आप इसको काट सकते हैं, और ये आपसे फुली कोऑपरेट करेगी और आपका काम बड़ा आसान सा हो जाएगा। देखें, और छोटे छोटे क्यूब्स करना है तो वो भी बहुत इजी है। ये जैसे किया, वो नरम होता है तो होता नहीं है ना, ये हर चीज़ में बड़े सपोर्टिव होगी। थिन स्लाइसेस करनी है तब भी, लेकिन एक बात है कि जब भी आपको जैसे फहीता या कोई चिकन के पीसेस बनाने हैं स्लाइसेस की सूरतों में, तब हमेशा आप डायगनली काटें, यानी आड़ा। इससे क्या है कि आपका टेक्सचर चिकन का अच्छा रहेगा। और ये जो मैंने लंबाई में काटा है ना, इसको आप जैसे अनियन डाइस करते हैं ना, इतना बारीक भी कर सकते हैं, क्योंकि ये इतना अच्छी पोजिशन में है कि जैसे आप चाहेंगे वैसा होगा। तो ये देखें, ये देखें है ना, अब चाहे तो इस तरह से काटे, चाहे तो इस तरह से काटे, इस तरह से काटे, यू आर योर ओन बॉस। बस पौना से एक घंटा या डेढ़ घंटा, जो भी फ्रिज की और फ्रीजर की क्वालिटी पे है, कि मैंने जैसे बताया ना, फर्म होना चाहिए लेकिन बर्फ की तरह जम नहीं जाना चाहिए, आपकी छुरी चले इस तरह होना चाहिए, तो लाइफ आपकी ब्यूटिफुल हो जाएगी। कीमा, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई कीमा कैसे धोना है, तो मैंने सोचा ये टिप मैं ज़रूर डालना है, ख़ासतौर से जब मैं सीख कबाब का कीमा कहती हूँ कोफ्तों के लिए, कि ड्राई होना ज़रूरी है। तो चले अब हम कीमा वॉश करते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरह से उसको ड्राई करना है, वो भी झटपट। तो उसके लिए हमें एक बर्तन चाहिए, एक मलमल का कपड़ा चाहिए और एक छन्नी चाहिए। तो चले वॉश करने चलते हैं। अब ये मलमल का कपड़ा छन्नी के साथ जो था इस पे हम डाल देंगे कीमा,
और आप इस तरह से भी धो लेंगे। पहले हमने गहरे पानी में धो लिया और अब छन्नी के साथ धोएंगे ताकि पानी निकलता जाए। मैक्सिमम पानी हाथों से ही निकाल लेंगे और अब ये चारों कोने पकड़ेंगे। और अब इसको पकड़ के ये इस तरह से निचोड़ लेंगे। इजी पीजी। और अगर आपको कोफ्ते और कबाब चाहिए तो इसमें थोड़ा सा और टाइम लगेगा, वो इस तरह से करेंगे हम। ये तो निचोड़ लिया हमने जितना सा निचोड़ सकते थे। अब इसको हम रखेंगे छन्नी में और एक बोल नीचे रखेंगे और इसको थोड़ा सा कवर करके फ्रिज में रख देंगे। तो देखा कितना अच्छा धुल गया। अब मैं आपको बताती हूँ फ़र्क क्या है अभी ताज़ा धुले हुए में और एक घंटा पहले अगर धुला था और फ्रिज में रखने से क्या फ़र्क पड़ा। तो ये ताज़ा है, ये देखें अच्छा खासा मैं बॉलिंग कर सकती हूँ और आप कैच कर सकते हैं और ये फ्रिज में रख दिया था सेम तरीके से करके, तो ये ज़्यादा फर्म हो गया है, ये देखें। तो बस कोफ्ते और कबाबों के लिए इस तरह करें, ताज़ा ताज़ा बनाना हो तब भी इस तरह कर सकते हैं और आधा घंटा रख लेंगे फ्रिज में तो और फर्म हो जाएगा। स्नैक्स की बैग्स, चिप्स की बैग, उस पर आते हैं। तो वो क्या होता है कि जब हम रेडी कोई भी बैग जब लेते हैं और खोलते हैं तो वो क्रिस्पीनेस जो होती है वो बाद में नहीं रहती है, वो मसला है। अगर क्लिप लगा देते हैं तो वो बस ओके ही रहती है, वैसी नहीं होती क्रिस्पी। अब मैं आपको बताती हूँ कि ओरिजिनल पैकिंग किस तरह करते हैं। वैसे तो सीलर भी आता है मार्केट में, लेकिन जिनके घरों में सीलर नहीं है उनके लिए ये बेस्ट टिप है। तो ये जैसे हम ताज़ी ताज़ी खोलेंगे और इसको अपने जार में डालेंगे। अब जितनी जगह है इतनी डालेंगे और इसको बंद कर दिया। अब ये जो चिप्स बची है इसमें तो चली गई है हमारी 40% के आसपास। ढेर सारी जो चिप्स बची है ये वैसी जायका नहीं देगी जैसे कि अभी है। तब हम इसको क्या करेंगे, इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे बस एक, और फॉइल लेंगे और ये महीना दो महीना तक आप इसी तरह रखेंगे वही फ्रेश निकलेगी आपकी। अब आपको इसकी साइज बैग की साइज के जितनी लेनी है। इसको फोल्ड करेंगे। अब इसको फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर ये रखेंगे, ये बैग बैग के ऊपर यूँ रखेंगे और इसको फोल्ड कर देंगे। अब इस्त्री गरम गरम इस्त्री लेंगे और इस्त्री करेंगे फॉइल के ऊपर। तो बस ये हम 30-40 सेकेंड मैक्सिमम एक मिनट तक इसको इस्त्री करेंगे। ये देखें कैसी सील्ड हुई है, ये देखें इसमें एयर क्या कुछ नहीं जा सकता। मैन्युफैक्चरर्स की जैसी होती है ना सील्ड, हमारी वैसी हो गई। अब आप इसको एक महीने जो भी एक्सपेक्शन इसकी है जब तक भी आप खाएंगे वैसी के वैसी निकलेगी। और अब आते हैं भुट्टे पे। भुट्टा हर दिल अजीज है लेकिन टाइम टेकिंग है या सेकना पड़ता है चूल्हे पे, और अगर बॉईल करने के लिए रखो उसका एक मज़ा अलग है लेकिन टाइम टेकिंग है। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं किस तरह से शॉर्टकट में भुट्टा बनाती हूँ और खूब इन्जॉय करते हैं और सारी फैमिली के लिए यूँ बन जाता है। तो देखिए ये तो एक ऑथेंटिक वे है, जो लोग उबालने के लिए क्या करते हैं वो मैं करूँगी। यहाँ मेरे पास पानी है उसका मैं चूल्हा ऑन कर देती हूँ। तो यहाँ देखें हमारे पास दो भुट्टे हैं, एक हम ऑथेंटिक वे में बनाएंगे तो इसका छिलका निकालेंगे। और इसके दो टुकड़े करके
इसको उबालने के लिए रख देंगे, कवर कर देंगे। और दूसरा तरीका मेरा है जो कि मोस्ट ईजीएस्ट, तो चले माइक्रोवेव की तरफ चलते हैं। और अब इसको हम चला देंगे 2 मिनट पे। तो आपको क्या लगता है कौन विन होगा, 2 मिनट या ये? इसका तो हमने पहले तो छिलका उतारा, ठीक है, और फिर पानी भी लिया और अब उबलने के लिए रखा है, और मेरा गरीब बेचारा भुट्टा, उसको कुछ भी नहीं करना है और 2 मिनट के लिए माइक्रोवेव में रखा है। देखते हैं क्या होता है। तो ये देखें हमारा भुट्टा रेडी है। और मज़े की बात यह है कि ये जब इस तरह से पकता है ना, तब इसमें जो उसके बाल भी होते हैं ना, उसका फ्लेवर बड़ा अच्छा सा आ जाता है। तो चले आप इसको देखते हैं, चूल्हे को करते बंद। ओह, इसका तो पानी ही नहीं उबला है, तो मुझे लगता है मैं हाथ से ही निकाल लेती हूँ ये। तो चले अब ट्राई करते हैं और बताते हैं कि लक कैसा रहा है। देखा कितना खूबसूरत लग रहा है, इसको पकड़ के यहां से निकाल लेते हैं। और अब ये रहा नींबू, मिर्च और मसाला, और खूब दबा के डालेंगे, अब मजे से खाएंगे। आहा, मेरी तो फेवरेट चीज है ये। आना को, जोई को, सबको भुट्टा इतना पसंद है। इस कदर गरम है और इतना जूसी है, क्योंकि उसी के वर्क लगे हुए हैं, उसी के अंदर जो बाल हैं उसके साथ जो पका है। आप लोगों को पता नहीं है कि अगर आपने इस तरह से नहीं बनाया तो आप लोग क्या मिस कर रहे हैं। और अब इसको देखते हैं इसके क्या हाल है। बिल्कुल कच्चा है। तो चले इससे एंड करते हैं, क्योंकि मेरे व्यूवर्स के लिए, मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स के लिए मुझे जो पसंद है वो ही मैं एंड करती हूँ। खतरनाक, माइंड ब्लोइंग बनाना बनता है। तो जल्दी जल्दी जाएं आप लोग भी ये बनाएं, खूब मज़े करें और सारी टिप्स एंड ट्रिक्स को एंजॉय करें। चले चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और मज़ेदार रेसिपी के साथ और नाइस टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, अगर आप चाहेंगे तो। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।